दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना है अलग अलग पार्ट में। मैंने यहाँ पे वीडियो 2 से 3 वीडियो शूट किया हूँ 4 से 5 सेकेंड का। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक और काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट में शूट किया हूँ, तो वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं कुछ इस तरह से शूट किया था, सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था। तो मैंने दोनों पार्ट का वीडियो एक साथ ही शूट कर लिया था। तो आप भी एक साथ भी शूट कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट है जो भी आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पर भी रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल सी मैंने लेफ्ट साइड का पार्ट रिमूव कर दिया हूँ, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है। तो राइट साइड का पार्ट आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और यहाँ पे आपको 0.5 पे आ जाना है और वीडियो को आपको डन करना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा, ये वीडियो जो है आपका स्लो मोशन में हो चुका है। ये वीडियो जब तक आपका एक्सपोर्ट हो रहा है जब तक हम वेट कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे 2 बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो हमारा ग्रीन स्क्रीन का कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट एस लेयर पर क्लिक कर देंगे। इस लेयर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, जो वीडियो आपने लेयर लिए थे उस वीडियो को आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद सिंपल आपको वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है 4.1 पे आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको करना क्या है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे 1 से 2 बार देख लेना है वीडियो को प्ले कर आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैं सबसे पहले प्ले कर देख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 4.1 पे आना है और इस वीडियो पर प्रेस कर रखेंगे और कुछ इस तरह से आपको यहाँ तक लेकर आ जाना है 4.1 के जस्ट सामने। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो आप वहीं तक रहना है जहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसे हमको फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको 3 डॉट करके क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपने जो लेयर लिए थे उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और आपको सिंपल यहाँ पर इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करते हैं तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट में मैंने यहाँ पे अपना वीडियो लगा चुका हूँ, यहाँ पे आपको लास्ट में फिर से ग्रीन स्क्रीन है तो यहाँ पे भी वीडियो को आपको ऐड करना है। तो सिंपल आपका देख सकते हैं कहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है, तो 13.2 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वीडियो को लेकर आना है। तो आपको ये देखना है जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट करना है और आपको देखना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से प्ले कर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकेंड वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। और इसके बाद इस वीडियो पर प्रेस करके रखना है आपको कुछ इस तरह से, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। इसके बाद पीछे प्रेस करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से लेकर आ जाना है जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर यहाँ पर भी देखना पड़ेगा आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे।
और इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट पे आपको लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से, जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन करना है इसको, वीडियो पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, सिंपल। इसके बाद डन करते हैं तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है सिंपल। हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। आपने जो वीडियो ऐड किया था उस वीडियो को आपको ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है, दोनों वीडियो को। मैंने फर्स्ट का वीडियो का ओरिजिनल साउंड म्यूट कर चुका था, सेकेंड को मैंने कर दिया हूँ। इसके बाद सेटिंग पे आना, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको।